देखा सिगरेट टंकी खाली। अब पीटीओ साल में दो बार अपने कॉलेजेस में छात्रों का दाखिला करेगा। इस बात की जानकारी शुक्रवार को चंडीगढ़ के पीएचडी चैंबर में टेक्निकल यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान पीटीओ के वाइस चांसलर डॉक्टर रजनीश अरोड़ा व एकेडमिक डीन बूटा सिंह ने पत्रकारों को दी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पीटीओ अब विदेशों में भी वहाँ के स्टूडेंट्स को पंजाब में अपनी ओर आकर्षित करेगा। शुक्रवार चंडीगढ़ के पीएचडी चैंबर में पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी की तरफ से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पीटीयू के वाइस चांसलर डॉक्टर रजनीश अरोड़ा, पीटीयू के डीन एकेडमी बूटा सिंह मुख्य रूप से मीडिया के रूबरू हुए। वाइस चांसलर डॉक्टर रजनीश अरोड़ा ने मीडिया से जानकारी देते हुए कहा कि पीटीयू अब साल में दो बार अपने कॉलेजों में दाखिला करेगी। यह दाखिला प्रत्येक वर्ष जुलाई और जनवरी महीने में किया जाएगा। इन दाखिलों से विद्यार्थियों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के बहुमूल्य 6 महीने बचाने वास्ते पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने यह फैसला किया है कि वह साल के विच दो बारी एडमिशन्स करेगी, जुलाई के विच और जनवरी के विच। अज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के विच अज असी अपनी जनवरी 2014 की एडमिशन्स नू शुरू करन दा घोषणा की है, ऐलान किया है। डॉक्टर रजनीश अरोड़ा ने बताया कि पीटीयू के 80,000 सीटें दाखिले के लिए मौजूद हैं, जिनमें 54,000 सीटें जुलाई महीने तक भरी जा चुकी हैं और बाकी इस बार जल्द ही पूरी होने की उम्मीद है। वाइस चांसलर डॉक्टर रजनीश अरोड़ा ने कहा कि पीटीयू विदेशों में भी जाकर अपनी मार्केटिंग करेगा और वहाँ के स्टूडेंट्स को भी पंजाब में अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करेगा। पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी इस साल अपने कॉलेजेस के नाल मिलके, खास करके साडी जिहड़ी पुटिया है, पंजाब अनएडिड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन की एसोसीएशन है, उन्होंने नाल मिलकर अलग अलग प्रांतों में और आस पास के पड़ोसी देशों में भी, सार कंट्रीज दे विच और सेंट्रल एशिया की जिहड़ियां कंट्रीज ने उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, उत्थे मार्केटिंग करेगी ताकि वड्डी संख्या के विद्यार्थियों असी जुलाई के महीने में इतने अट्रैक्ट कर। शिक्षा को विकसित करने के लिए हम लोग सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ है वो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं, अच्छे से अच्छे टीचर्स मिलें और अपना जो करिकुलम है उसको हर साल हम इंडस्ट्री ओरिएंटेड बनाएं और उसको हर साल अपडेट करें ताकि विद्यार्थी इंडस्ट्री रेडी बने, ये कोशिश की जाए। इसी मौके डीन एकेडमी बूटा सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2010 के बाद पीटीयू के सभी कॉलेज में हो रहे दाखिलों का पूरा विवरण उनकी तरफ से पीटीयू की वेबसाइट पर डाला जा रहा है। इन दाखिलों में किसी भी प्रकार की कोई हेराफेरी नहीं की जा रही। इसके अलावा पीटीयू से संबंधित हर तरह की जानकारी इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। सारे ही मतलब ऑनलाइन दाखिला होता है, जिन्हों गवर्नमेंट की ही बॉडी निक वाले वो कंट्रोल करते हैं, तो वो बिल्कुल 100% ट्रांसपेरेंट सिस्टम है जिसे जो बच्चे ने अपनी इनफॉरमेशन भरनी है और वैबसाइट के उपर ही वह मैरिट नंबर जनरेट होना है और मैरिट के मुताबिक उन्होंने सीटा अलॉट होनी है। मतलब कि इस तरह का कोई ना तो यह प्रोसैस है कि बच्चा बच्चे को लोड़ है यूनिवर्सिटी आने की कि वैबसाइट के उपर ही वो जी एडमिशन लैटर है जनरेट हो जाती है, वो हैगी है ptu.ac.in और नाल एक निक वाले की वैबसाइट होंगी है, दोनों के उपर पैरल इनफॉर्मेशन होंगी है, जो बच्चे अपडेट करते हैं उदे तो ही एडमिशन लैटर जनरेट होंगी है तो उन्हें डायरेक्टली कॉलेज आकर रिपोर्ट करना होता है। चंडीगढ़ पुलिस शहरवासियों को ट्रैफिक की बेहतर सुविधाएं देने के उद्देश्य से समय समय पर लोगों को